गुड मॉर्निंग जी सारिआं नूं। चिटकुल टैंपरेचर अज हैगा आ 8 तों 9 डिग्री। ठंड बहुत हो गई सी, टैंपरेचर सीगा 4 डिग्री। असीं 2 रूम ले सी, ठीक है, रूम ठीक ठाक। ठंड बहुत ही रात तां करके दो जाइयां कंबल लैके सोना पिया। अटैच बाथरूम आ, गीजर वगैरह लगा आ। इधर असी एक एक्स्ट्रा बैड लिया। अज असी चिटकुल तो निकल रहे हैं रकोंपियो साइड, तो बाद वीडियो दसदे हैं तुहानूं चिटकुल आना किन्ना फायदेमंद आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। सफ़र काफ़ी लंबा सी, टाइम बहुत लग गया। सवेरे ठंड काफ़ी आ, हवा बहुत तेज चल रही है, तो थोड़ी बहुत फोटो खिंचन लगे। वैसे असं कल भी फोटो खिंच लिया सी इत्थे, तो इत्थे होना बहुता वक्त नहीं, माहौल ठीक ही है, कोई ज़्यादा खास भी नहीं है। चिटकुल रास्ता बहुत लंबा है, काफ़ी टाइम लग गया इतने आने को। तो साढ़े हिसाब ना इतने आने नालों तो अगे पिछे रास्ते रुक जाना चाहिए। चिटकुल भाजी होना चाहिए कि चिटकुल नहीं, चिटकुल का फायदा नहीं है। 3 घंटे 46 किलोमीटर अगे भी चिटकुल तो कुछ नहीं है। चिटकुल नूं सीधे चल जाओ मेन रोड तो रकोंपियो नूं जां होर साइड नूं किते जाके देखांगे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। चिटकुल नहीं होना चाहिए। ओके, जे चिटकुल होना चाहिए तो 10 मिनट पिछे कीजे रक्षम जोड़ी तो आए रक्षम जा सकदे हैं। रक्षम जाओ इत्थे ना, ठीक है। खज्जल खराबी बहुत आ, रोड ठीक ठाक ही है। तो बाकी तुहानूं वीडियो से पता लगे जाना रोड किद्दां रिहा। हुण देखदे हां अगे असीं रकोंपियो जाना जां अज कित्थे तक जाना। हेलो, क्या कर रहे हो? टैक्सी का? स्कूल नहीं जाते? सैटरडे संडे और सब ठीक है? हम भी बढ़िया। कहाँ जा रहे हो? हम जाएंगे Thank you.
सुसाइड पॉइंट कल्पा स्पीति सिटी व्यू देखो क्या ही बात है। हाँ जी, असं हूँ पहुँच गए हैं कल्पा सुसाइड पॉइंट, व्यू चेक करो।